गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं MS निरंकारी पब्लिक स्कूल से पढ़ा रही हूँ कक्षा 2 संस्कृत पार्ट 1 प्रथम पार्ट। बच्चों, वर्ण के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। वर्णों के वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन दोनों को मेल को हम वर्णमाला कहेंगे, दोनों के समूहों को मिलाकर हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उचित मेल और वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण हम छोटे से छोटे इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण आपको मालूम है कि वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जैसे वर्ण हम छोटे से छोटे इकाई को कहते हैं, जैसे अ आ ई क ख ग घ। और वर्णमाला स्वर और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, व्यंजन वर्ण। और वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बनता है। तो आइए वर्णों के बारे में जान जाए। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को मिल 3 भागों में स्वर, व्यंजन और अयोग्य में विभाजित किया गया है। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उसे स्वर कहलाते हैं। जैसे संस्कृत वर्णमाला में तेयर स्वर जो आपको बताया गया, यानी स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण में इसमें व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं होती है, मगर व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता होती है। जैसे मान लीजिए क, क प्लस स, इसमें स्वर वर्ण की सहायता की जा रही है। और इन स्वर वर्णों में निम्नलिखित 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। ह्रस्व, जैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते, इनकी संख्या 5 है। ऐसे अ ई उ रि लि। और दूसरा है दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं, इनकी संख्या 4 है। जैसे आ ई उ री। तीसरा है संयुक्त स्वर, ऐसे वर्ण जो 2 स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं, इनकी संख्या 4 है। ए ऐ ओ अ प्लस ई, यानी आ प्लस ई, अ प्लस उ और आ प्लस उ। व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपको बोला क, तो क प्लस अ, और चाहे कि क प्लस अ नहीं आएगा तो ये नहीं हो सकता। जैसे बच्चों मान लीजिए ये क प्लस अ है, ठीक है, तो इसमें हमारा स्वर की सहायता हो गई। अगर उसी तरह अब आया अयोग्य हुआ, यानी अ तथा आहा वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये न तो पूर्ण स्वर होते हैं और न पूर्ण व्यंजन, अतः इन वर्णों को अयोग्य वाक कहा जाता है। व्यंजनों में स्वरों का योग, जब स्वरों का व्यंजन वर्णों के साथ मेल होता है तो स्वर वर्णों का रूप बदल जाता है। स्वरों के बदले हुए रूपों को मात्रा कहते हैं। देखिए स्वर की मात्रा का प्रयोग हल व्यंजनों के साथ किया जाता है। मालूम है बच्चों कि हलंत का कहाँ किया जाता है, हमारे संस्कृत में हलंत ला, जैसे दिया है क, क में हलंत है क प्लस अ। अब देखिए क्योंकि ये संस्कृत है, टीसी की मात्रा का ज्ञान आ गया कि क प्लस अ, ये क हो गया, क प्लस आ यानी आ की मात्रा आ गई तो क हो गया, और क प्लस ई यानी छोटी इसकी हो गई की, क प्लस बड़ी यानी की, ती हलंत की संस्कृत में लगाया जाता है। जैसे क प्लस उ छोटा उ हो गया तो ये हो गया कु, क प्लस उ ये हो गया कु, क प्लस री तो क्री, और क प्लस री यह हो गया क्री, क प्लस ए के, क प्लस आए ये हो गया कै, क प्लस ओ को, और क प्लस अ ये हो गया क, क प्लस अंग ये हो गया कंग, क प्लस आहा ये हो गया क। इसी प्रकार अन्य व्यंजन वर्णों के साथ भी स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है।
जैसे मान लीजिए वर्णों के संबंध में कुछ और बातें भी जानने योग्य है, इनको अत्यधिक ध्यानपूर्वक पढ़ लो। जैसे मान लीजिए कौदिया, ए और ए और अ की मात्राएं सदैव वर्णों के ऊपर लगाई जाती है। बच्चों आपने दे जैसे मान लीजिए के में चे लिखा तो हमने ए की मात्रा वर्ण को लिखकर तब हम ऊपर लगाते हैं। ये मात्राएं वर्ण की खड़ी रेखा या ऊपर छोटी सी रेखा से मिलाकर लगा। अब दूसरा है छोटी की मात्रा सदैव वर्ण के पहले लगती है, यानी पहले जैसे मान लीजिए हमने लिखना है की, तो हम पहले क लिखेंगे उसके बाद से हम अपनी छोटी की मात्रा लगाते हैं। फिर आया बड़ी यानी आ ओ और अंग आहा की मात्रा सदैव वर्ण के बाद लगाई जाती है। अब देखिए इसमें छोटा उ बड़ा उ री और री की मात्राएं सदैव वर्ण के नीचे लगाई जाती है। ये मात्राएं वर्ण की खड़ी रेखा अथवा वर्ण के निचले गोलाकार भाग से मिलाकर लगाए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा की मी, तो पहले हम वर्ण को लिख लेते हैं तब उस पर बड़ी की मात्राएं लगाते हैं, और री की मात्राएं जब वर्ण को लिख लेते हैं तो हमें गोल सरनी री की मात्रा लगाते। र वर्ण के साथ उ और उ की मात्राओं के लगने पर जैसे छोटा उ और बड़ा उ की मात्राओं के लगने पर इसका रूप निम्नवत बदल जाता है। जैसे मान लीजिए र, अब र में बच्चों हलंत लगा, आपको बताया कि ये संस्कृत है, संस्कृत में हलंत लगता है। र प्लस उ ये हो गया रू, और र प्लस उ यानी बड़ा उ ये हो गया रू, यानी ये रू छोटा उ की मात्रा से हुआ और ये रू बड़ा उ की मात्रा से हो गया। च, र वर्ण के साथ री एवं री की मात्राएं नहीं लगती, यानी छोटी री है और बड़ी री है की मात्राएं नहीं लगती। जैसे तलावे श और ह वर्ण के साथ री की मात्रा लगने पर इनका स्वरूप निम्न बदल जाता है। जैसे देख लीजिए, देखिए तलावे श है, तलावे श में भी हलंत लगा है, इसका प्लस री यानी स प्लस री, और ह प्लस री यानी बड़ी री आ गया तो ह हो गया, इसका भी री हो गया। जब बिना स्वर के दो व्यंजन वर्ण मिलकर नया वर्ण बनाते हैं तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। ऐसे कुछ व्यंजन वर्ण हैं, जैसे मान लीजिए ये क प्लस मूर्धनि ष, तो अब हो गया छ, अब छ प्लस अ, देखिए छ में भी स्वर आ रहा है तो आपको छ हो गया, ये क्योंकि ये स्वर वर्ण में आ रहा है, स्वर की सहायता से बोली जा रही है। दूसरा है त प्लस र, इसमें है त्र यानी त्र प्लस अ, इसमें भी स्वर की सहायता है, और ज प्लस य यानी ज्ञ, ज्ञ प्लस अ, इसमें भी यह स्वर की सहायता है। तलावे श प्लस रे यानी श्रे प्लस अ यानी श्रे स्र बन गया, इसमें भी देखिए बच्चों इसमें स्वर की सहायता आ गई। इन संयुक्त व्यंजन वर्णों को हिंदी भाषा की वर्णमाला में सम्मिलित किया जाता है। ली की मात्रा की गणना अस्त्रों के अंतर्गत की गई है, लेकिन यह एक स्वतंत्र व्यंजन होता भी है। ली ल प्लस री तो हो गया ली, देखिए री की मात्रा आ गई तो ली हो गया, अतः इसकी मात्रा नहीं लगाई जाती है इस पर, यानी ऊपर या अगर बल से मात्रा ये नीचे से मात्रा लगाई जाती है तो हो गया मेरे के थे। थैंक यू बच्चों, ये है संस्कृत। अगर आपके पास संस्कृत तो ऐसी भाषा है जो कि बिना किताब के नहीं पढ़ा जा सकता है, नहीं याद किया जा सकता है बच्चों, ये इसलिए आप लोग किताब अवश्य ले लें। थैंक यू।